जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ओपन ईएक्स का कुछ देर पहले का अपडेट है और यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं ये लोग कि इनकी लिस्टिंग कब तक होगी। इनका पूरा लॉन्चिंग प्लान डेवलप हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आज से कुछ दिनों पहले इनके ओएक्स एप्लीकेशन में एक वोटिंग हुआ था और उसका रिजल्ट आ चुका है और उसी के बेस पर ये लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं इसके लॉन्चिंग का। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो गुड मॉर्निंग ओएक्स कम्युनिटी, बेस्ड ऑन द करंट कम्युनिटी वोटिंग रिजल्ट, यानी कि जो करंट टाइम में हुआ था वोटिंग उसके रिजल्ट पे यहाँ पे ये लोग अपने लॉन्चिंग प्लान को डेवलप कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कब तक इसकी लिस्टिंग होने वाली है और लिस्टिंग के बीच में ये लोग क्या-क्या करने वाले हैं। सब कुछ क्लियर खुलासा हो चुका है। तो दोस्तों मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं क्रिप्टो अरुण हिंदी चैनल। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए डायरेक्टली इसके मीडियम आर्टिकल को ओपन करते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो देखते हैं डियर ओपन ईएक्स कमिटी मेंबर, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। टोकनॉमिक्स एडजस्टमेंट, यानी कि इसका टोकनॉमिक्स थोड़ा सा एडजस्ट किया गया है एंड इसके साथ साथ कोर चैन सुपर फेयर लॉन्च इवेंट भी चलाए जाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके इवेंट डिटेल्स दिए गए हैं और इसके बाद यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दिया गया है और यहाँ पे एयरड्रॉप प्लान दिया गया है। तो सब कुछ क्लियर खुलासा मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टोकनॉमिक्स एडजस्टमेंट, यानी कि कह सकते हैं टोकन एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे इनके टोकनॉमिक्स में से ही टोकन को एडजस्टमेंट किया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी वोटिंग रिजल्ट द फॉलोइंग डिटेल्स एडजस्टमेंट हैव बीन मेड टू द टोकनॉमिक्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो रीएलोकेटेड 2% ऑफ द टोटल ओएक्स सप्लाई फ्रॉम द टीम एलोकेशन टू द लिक्विडिटी सपोर्ट एलोकेशन, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 2% अपने ओएक्स की टोटल सप्लाई में से ये लोग लिक्विडिटी सपोर्ट एलोकेशन में रखेंगे। लेकिन वो कहाँ से उठाएंगे 2%? टीम एलोकेशन में से। तो यहाँ से उठा के ये लिक्विडिटी सपोर्ट एलोकेशन में रखने वाले हैं 2%। तो काफ़ी अच्छी बात है, इससे इसके प्राइस पे काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक इवेंट भी ये लोग चलाने वाले हैं, कोर चैन सुपर फेयर लॉन्च इवेंट। देख सकते हैं यहाँ पे वी विल बी लॉन्च ए सुपर फेयर लॉन्च इवेंट ऑन कोर चैन। ये जो इवेंट होगा वो कोर के चैन पे होगा, कोर डाओ पे होगा एंड इसके साथ साथ इसका पर्पस क्या है मेनली, तो देख सकते हैं द मेन पर्पस ऑफ द इवेंट इज टू प्रोवाइडेड ए टोकन प्राइस रेफरेंस फॉर मार्केटिंग एंड लिस्टिंग। देख सकते हैं यहाँ पे इसके टोकन प्राइस के रेफरेंस के लिए और इसके साथ साथ मार्केटिंग एंड लिस्टिंग के लिए ये लोग फेयर लॉन्च इवेंट कर रहे हैं। इससे भी कह सकते हैं प्रोजेक्ट पर काफ़ी अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिलता है और उसके प्राइस पर भी। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो देख सकते हैं द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन टोकन प्राइस फॉर द फेयर लॉन्च will be determined by the event OEX total amount or total participating token amount। इसी के बेस पे ये जो इनका रहेगा final distribution और टोकन प्राइस वो इन्हीं के बेस पे रहेगा। ये जो फेयर लॉन्च इवेंट हो रहा है ना इसी के बेस पे होगा एंड इसके साथ साथ यहाँ पे जो OEX total amount और total participating रहेंगे उनके बेस पे एंड इसके साथ साथ यहाँ पे इवेंट डिटेल्स भी दिया गया है। देख सकते हैं इवेंट आपका स्टार्ट होगा 1 जुलाई से और ये आपका एंड हो जाएगा 15 जुलाई को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस इवेंट में जितने भी पार्टिसिपेशन रहेंगे यानी कि मेंबर रहेंगे वो कौन कौन से टोकन का यूज़ कर पाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोर यूएसडीटी और बोट मात्र 3 ही टोकन यहाँ पे रखे गए और पर एड्रेस पे लिमिट भी लगाया गया है। देख सकते हैं पर एड्रेस पे 5000 कोर यूज़ कर पाएंगे, 5000 यूएसडीटी और 5 मिलियन बोट, तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितना भी फेयर लॉन्च में लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 0.2% ओएक्स के टोटल सप्लाई में से टोकन रखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कोर पार्टिसिपेशन रहेंगे उनके लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 1.5 करोड़, जो कि 0.15% इसके टोटल सप्लाई का होगा एंड इसके साथ साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अब जान लेते हैं इस इवेंट से हट के। तो यहाँ पे लिखा गया है 50% ओएक्स विल बी क्लेम और टीजी, यानी कि टीजी के दौरान 50% इसका ओएक्स टोकन क्लेम कर लिया जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा इसका टोटल सप्लाई में से अमाउंट है। लेकिन हाँ 50% भी बचेगा तो वो कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है दी रिमेनिंग 50% विल बी लाइनरली अलॉक। देख सकते हैं यहाँ पे इसे लाइनरी में रखा जाएगा और ये 6 मंथ ओवर पे आपका ये 50% टोकन क्लेम किया जाएगा और कोई भी यहाँ पे क्लिप पीरियड नहीं है एंड इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो लिस्टिंग प्लान क्या है, ये काफ़ी बड़ा अपडेट है। यानी कि ये लोग बोले अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी फीडबैक, यानी कि हम कम्युनिटी के फीडबैक पे ही
ये लोग लिस्टिंग का देख सकते हैं, पूरा प्लान रखें। वी विल लिस्ट OEX एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द फेयर लॉन्च इवेंट इंड्स, यानी कि जैसे इनका फेयर लॉन्च इवेंट इंड किया जाएगा उसके बाद ये लोग जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा OEX टोकन की लिस्टिंग कर देंगे। तो क्लियर यहां पे बता दिया गया है, जैसे इसका फेयर लॉन्च इवेंट इंड होता है वैसे इसके टोकन को लिस्ट किया जाएगा, यानी कि 15 जुलाई को इसका इवेंट इंड हो रहा है तो कह सकते हैं मोस्टली यहाँ पे 20 जुलाई तक इसकी लिस्टिंग जा सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी डिले ये लोग कर चुके हैं, और यहाँ पे लिखा गया है प्रायोरिटाइज लिस्टिंग ऑन CEX, यानी कि इसकी लिस्टिंग CEX यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी होगी और डेक्स पे भी होगी। देख सकते हैं डेक्स पे लिस्टिंग होने का क्या कारण है, तो इसके प्राइस में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा गया है दी इनिशियल लिस्टिंग इज एक्सपेक्टेड ऑन 3 CEX, यानी कि जो इनिशियल लिस्टिंग है वो बताया जा रहा है कि 3 सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर यहाँ पर देखने को आप को मिल सकती है, लेकिन 3 से ज्यादा भी मिल सकती है। तो यहां पे ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे तो इसकी लिस्टिंग कंफर्म है। तो देखते हैं कौन कौन से एक्सचेंज रहते हैं, Tier 1 के या फिर Tier 2 के। एंड इसके साथ साथ यहां पे एयरड्रॉप प्लान देख सकते हैं, लिखा गया अकॉर्डिंग टू कमिटी फीडबैक अनक्लेम्ड एयरड्रॉप OEX विल बी बर्न आफ्टर द एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटेड, यानी कि जैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जितने भी अनक्लेम एयरड्रॉप है उसे बर्न कर दिए जाएंगे। तो काफी अच्छी बात है। तो कह सकते हैं इसके फेयर लॉन्च इवेंट का एंड होने का आप इंतजार कीजिए, देख सकते हैं 15 जुलाई को ये एंड हो जाएगा एंड इसके साथ साथ उसके बाद ही इसकी लिस्टिंग की जाएगी। तो जितना भी इसका कंफर्मेशन था अपडेट था पूरा मैंने आपको रीड करके बता दिया, और यहाँ पे मैंने आपको जितना भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो भी आपको बता दिया, और कैसे और कितना परसेंट अनलॉक किया जाएगा वो भी क्लियर हो गया, यानी कि 50% TJ के दौरान ही क्लेम कर लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट, एंड इसके साथ साथ जितना भी अपडेट वगैरह आएगा आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इसके साथ साथ सबसे पहले अपडेट चाहिए तो क्रिप्टो और निंदी का टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो मिस मत करना, फटाफट जाकर इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एंड इसके साथ साथ आइस ब्लॉकचेन का देख सकते हैं यहां पे फर्स्ट प्रोजेक्ट है और आइस ओपन नेटवर्क का दूसरा प्रोजेक्ट, तो मिस मत करना, फटाफट जाकर इसे ज्वाइन कर लेना। सनवेव इसका नाम है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे क्या प्रोसेस है ज्वाइनिंग करने का, एंड रेफरल कोड अरुण वेल है, तो मिस मत करना, फटाफट जाकर इसे ज्वाइन कर लेना। इसके ज्वाइनिंग करने का लिंक आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो फटाफट जाकर इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। एंड इसके साथ साथ ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। एंड इसके साथ साथ देख सकते हैं डेली साइफर जो कोड होता है वो मैं आपको तुरंत के तुरंत प्रोवाइड कर देता हूँ रात्रि को, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको डिटेल में बता भी देता हूँ, तो मस्ट है क्रिप्टो और हिंदी का टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। एंड इसके साथ साथ ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं किसी और नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय।